वेलकम टू अक्रम डेयरी फार्म चैनल। हम जैसे बता रहे हैं आप लोगों को, तेलंगाना स्टार्ट फार्म हमेशा की तरह फिर से न्यू स्टॉक है यहाँ पर। और यहाँ की ऑलरेडी एक वीडियो में ADF चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग वहाँ पर भी जाके सर्च कर ले सकते हैं, उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पर कलेक्शन कुछ इस तरह है, जैसे पोनी हॉर्सेस में यहाँ एक बिल्कुल वाइट कलर में मेयर है, घोड़ी है, और एक जेट ब्लैक कलर में घोड़ा है जो हाफ ब्रीड में है। बाकी दूसरे मारवाड़ और कांटेवार के अंदर इस ब्रीड में घोड़े भी है अवेलेबल। तो बिलाल भाई हैं यहाँ पर, बिलाल भाई से थोड़ी सी बात करेंगे हम। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम उमर भाई, फिर से बिलाल भाई, ईद मुबारक उमर भाई। बिलाल भाई आपको भी बहुत बहुत मुबारक, लेकिन जब तक ये वीडियो अपलोड होंगी थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो आज आपके पास जो कलेक्शन है, सबसे पहले इससे स्टार्टिंग करेंगे हम, शुरुआत करेंगे। ये पोनी के अंदर बिल्कुल वाइट कलर में घोड़ी है जी। और क्या हाइट होंगी इसकी एवरेज? लेकिन बहुत खूबसूरत घोड़ी है, और ये भी सेल के लिए है आपके पास? कोई अगर आया जेन्युइन बायर अच्छा प्राइस देने वाला तो देंगे जी। चलिए तो नेक्स्ट, इसके बाद में यहाँ पर ये एक है घोड़ों का कंडीशन, मीन साफ सफाई नहीं है उमर भाई, ईद की तरफ से क्या है थोड़ा लेबर प्रॉब्लम चल रहा है। एक तो ईद का भी प्रॉब्लम है, दूसरा यहाँ पर लॉकडाउन जो चल रहा है तेलंगाना में, इसका भी प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पर सिर्फ 6 to 10 मॉर्निंग आवर्स में टाइमिंग क्लोज हो जा रही, फिर से लॉकडाउन स्टार्ट हो जा रहा, इस वजह से बहुत ज्यादा लेबर का प्रॉब्लम है। तो वो वजह से थोड़ा नीटनेस कम है। अभी ईद की वजह से स्पेशली जो काम वाले लड़के है वो आए नहीं यहाँ पर, तो सिर्फ आप लोगों को बतलाने के लिए जो नया कलेक्शन है उस वजह से हम आए हुए हैं यहाँ पर। तो ये कौन सी घोड़ी है बिलाल भाई? कांटेवार में है। और क्या कलर बोलेंगे इसको? बादामी पंचकल्याण है जी। चारों पैर व्हाइट है इसके, और कलर भी देख सकते हैं आप। क्या हाइट है इसकी? ये 58-59 हाइट में, 58-59। और घोड़ा है? घोड़ा है मेल जी। फीडिंग वगैरह सब टाइम पे हो गई, सिर्फ जी साफ सफाई अभी नहीं हुई बिल्कुल। दाने का देखिए आप, दाने का तो ख्याल 100% बराबर होता है यहाँ पर, सिर्फ साफ सफाई की हद तक थोड़ा सा ईद की वजह से। नेक्स्ट में ये एक जो हम बतला रहे थे आप लोगों को, हाफ ब्रीड के अंदर बहुत ही खूबसूरत जेट ब्लैक कलर में एक घोड़ा है यहाँ। और क्या हाइट होगी इसकी? ये 50 हाइट है, 48-50 के अंदर आएगा बस। और क्या एज है बिलाल भाई इसकी? ये उम्र में होगा 4 साल का होगा, 3 से 4 साल में, करीब 4 साल का हो गया है। जो शौकीन है उन्हीं के लिए सेल करेंगे आप जी, स्पेशली जो ब्लैक का कलेक्शन चाहते हैं उनके लिए है। नेक्स्ट इसके बाद में यहाँ पर एक पंचकल्याण है जी। और ये कौन सी ब्रीड में है? कांटेवार और मारवाड़ मिक्स है, कांटेवार मारवाड़ मिक्स है जी। और लाल पंचकल्याण जी। क्या हाइट है इसकी? ये 61+ है हाइट में, 61+ हाइट है इसकी। और क्या एवरेज रेट रहेगा इसका? एवरेज रेट इसका आस्किंग प्राइस 50,000 रुपए, 50,000 सिर्फ 50,000 है। देखिए आस्किंग प्राइस 60 हाइट है। और जो इंटरेस्टेड हो आप लोग डायरेक्टली कॉल करके और भी घोड़ों के रेट्स मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट में ये घोड़ा है यहाँ पर, और ये कौन सी ब्रीड में है? ये मारवाड़ ब्रीड में है, 61+ हाइट है, मारवाड़ में है, 61+ हाइट है इसकी। कंडीशन भी बहुत अच्छी है इसकी, तो जो इंटरेस्टेड हो आप लोग देख सकते हैं, चंपा पंचकल्याण है ये। नेक्स्ट इसके बाद ये एक नुकरा है, और नुकरा बिलाल भाई तो बताने के लिए नहीं बोले थे, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर है अवेलेबल बोल के बतला रहा हूँ। घोड़े अक्सर लौटते नीचे, लोग बोलते घोड़ा बैठता नहीं या सोता नहीं, तो घोड़े भी बैठते और लौटते भी, जिससे उसकी थकान निकलती, इस वजह से ये गंदा हो गया। अभी जैसा लेबर प्रॉब्लम चल रहा है इस वजह से सफाई नहीं हुई, लेकिन दाना वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह खा के फिट है। बिलाल भाई क्या हाइट है इसकी? ये 61 हाइट है उमर भाई, प्योर गुलाबी नुकरा है। अच्छा 61 हाइट है, प्योर गुलाबी नुकरा है, ये देख सकते हैं आप, स्किन वगैरह बहुत अच्छा है जी। नेक्स्ट लास्ट में ये घोड़ा है, और ये कौन सी ब्रीड में है बिलाल भाई? मारवाड़ ब्रीड में, मारवाड़ में है। और इसके दो पैर वाइट है, तीन पैर वाइट है, एक पैर में पिछाड़ी के अंदर, ये देखिए मैं जूम करके बता दूं आप लोगों को, इस तरफ से किलर देखेंगे यहाँ पर, ये वाइट है इसके, और ये वाला पैर पूरा वाइट है, लास्ट वन सामने का एक वाइट है। और क्या हाइट है बिलाल भाई इसकी? 61 हाइट है। क्या एज रहेंगे बिलाल भाई इसके? ये 4 साल का है। 4 साल का है, और राइडिंग वगैरह परफेक्ट है इसकी भी, एक नंबर राइडिंग जी। तो स्पेशली ट्रेन हॉर्सेस भी रहते हैं यहाँ पर, जो इंटरेस्टेड हो आप लोग डायरेक्टली कॉल करके बात कर सकते हैं बिलाल भाई से। बहुत से हॉर्सेस आते रहते हैं यहाँ पर, अभी मार्केट्स वगैरह लग रहे नहीं, जैसे बहुत लोग पूछ रहे हैं अभी मार्केट नहीं बतला रहे हैं आप बोल के, तो लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और मैं भी सजेस्ट करूँगा कि आप लोग मार्केट्स ना जाएँ,
जहाँ सेपरेट आपको विद डिलीवरी के साथ में घोड़े मिल जा रहे हैं, तो मार्केट जाके आप कोरोना का एक रिस्क लेने से बेहतर है डायरेक्टली ऐसे कस्टमर्स के पास आ जाए जो ट्रस्टी हो। कंडीशन मतलब जी, कंडीशन डटी कंडीशन में है, उसके बारे में कुछ बोल दीजिए उमर भाई। तो लोग क्या है कमेंट्स मारते नहीं नहीं, वैसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं जैसे आप लोगों को बतलाया था, सिर्फ ईद की वजह से लेबर प्रॉब्लम है। दाना वगैरह तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम टू टाइम दिया जाता है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कंडीशन घोड़ों की सभी अच्छी है, सिर्फ नीटनेस के लिए एक दो दिन का प्रॉब्लम है ईद की वजह से। और बहुत साफ सुथरा माहौल रहता है यहाँ पर। ADF अकरम डेयरी फार्म पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं दूसरे गोडाउन की बिलाल भाई के पास की, तेलंगाना स्टेट फार्म के, उसमें भी आप लोग कंडीशंस वगैरह देख सकते हैं, उसमें भी रेट्स के साथ में डिटेल्स है। इसी तरह और भी बहुत सारे वीडियोस बताता रहूँगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।